नमस्कार, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करते हैं। भाई आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए अगर आवाज़ के अंदर कोई डिफ़िकल्टी है तो माफ़ी चाहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज का हमारा टॉपिक है मिड टेंथ क्लास एक्सरसाइज, द्विघात समीकरण एक्सरसाइज है हमारी 4.1, जिसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्लास टेंथ एक्सरसाइज 4.1, जिसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे, द्विघात समीकरण। भई ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो पर बने रहना और वीडियो के अंत तक जरूर देखना। भई ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, पार्ट इसका, द्विघात समीकरण क्या होती है। द्विघात, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। द्विघात समीकरण वो होती है जिसकी पावर दो होती है, उसे हम द्विघात समीकरण के, द्वि माने दो और घात मीन क्या होती है, पावर, जिसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो चलो करते हैं हम सॉल्व। फर्स्ट है हमारे पास x प्लस वन का स्क्वायर बराबर 2x+3। अब इसको मल्टी करने के बाद हम देखते हैं भई ये हमारे पास द्विघात समीकरण बनता है या नहीं बनता है। तो जैसे हमारे पास ए की टू बी की टू या ए की टू वाला फॉर्मूला जैसे हम इसके अंदर लगा सकते हैं, तो इसको हम कैसे रख सकते हैं, इसकी पावर दो है तो इसको हम अलग अलग से रख के इसको भी हम मल्टी कर सकते हैं, और ए प्लस बी की टू का फॉर्मूला भी इसके अंदर हम लगा सकते हैं। तो जैसे हम इसकी मल्टी कैसे करेंगे, तो प्लीज़ देखते रहना। एक तो सिंपल भाषा के अंदर इसको हम ऐसे रख सकते हैं, एक और मल्टी x+1। अब इसकी हम मल्टी कर सकते हैं, मल्टी करेंगे तो x की टू करके दिखाते हैं हम आपको, और +x+x1 तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2x और +1 इजिक्वल टू, अब 2 के साथ इसकी मल्टी करेंगे हम, 2x और 2 3 6। अब इज इक्वल टू का मारक हम इसको बाहर निकाल देंगे, x की 2 +2x+1 -2x और +6 इज इक्वल टू क्या रख लेंगे हम, 0 इसके अंदर रख लेंगे। फुल डिटेल से कराएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से आसानी से समझ सके आप। अब हम इसमें से माइनस प्लस करेंगे हम, x की 2 +, ये प्लस है ये माइनस है तो इसको हम काट देते हैं। अब क्या आएगा, ये प्लस किसका है, प्लस का है, और ये किसका है, माइनस का है, प्लस का है माइनस का, तो 6 कितने हो जाएंगे, दोनों 7, तो ये हमारा आ जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण है तो इसको हम ये से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या ही है, पावर 2 आ चुकी है, तो इसीलिए ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आशा है कि स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलो हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारा है x की 2 -2x = -2 × 3 − x। अब इसकी हम मल्टी करते हैं, मल्टी करेंगे तो इसमें यहाँ मल्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले की हुई इसके अंदर। अब इसके साथ इसकी मल्टी करेंगे हम, तो x की 2 −2x = −2 × 3 = 6 और −−+2x। अब इज इक्वल टू के मार्क को हम बाहर निकाल देंगे, x की 2 −2x + 6 और −2x इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, इसके अंदर 0 रखेंगे, इसके अंदर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब देखो इसके अंदर माइनस प्लस करेंगे हम इसके, x की 2 ये दोनों किस चीज़ के हैं, माइनस के हैं, तो प्लस ऐड हो जाएंगे,
फोर एक्स हो जाएगा और प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी क्या आ जाएगा, यस, क्योंकि इसके अंदर भी क्या आ चुकी है, पावर टू आ चुकी है। तो जिसके अंदर अगर पावर टू आती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। आपको अच्छी तरह से दोस्तों या स्टूडेंट्स हैं आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ चुका होगा भाई द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसकी पावर दो आती है। अगर दो को छोड़कर कोई भी पावर आ जाती है, जैसे तीन आ जाती है, चार आ जाती है, पाँच आ जाती है, तो द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो जिसके अंदर पावर दो आती है वही द्विघात समीकरण होता है। उसके बाद है, इसके बाद पार्ट नंबर थ्री करेंगे हम। पार्ट नंबर थ्री देखो, इसके अंदर x माइनस टू और x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और x प्लस थ्री। अब देखो ये संख्या इसके अंदर सभी अलग अलग आ चुके, तो इस संख्या के साथ हम इसकी मल्टी करेंगे, इस संख्या के साथ हम इसकी मल्टी करेंगे। x के साथ x की मल्टी करते हैं x की टू, x के साथ फिर हम वन की करते हैं x से कम x। अब माइनस प्लस माइनस, दो के साथ x की करेंगे दो एक्स प्लस माइनस माइनस दो एकम दो, इसकी मल्टी हो चुकी है। इसके बाद इज इक्वल टू है, अब x के साथ x की मल्टी करेंगे x की पावर टू आ जाएगी। अब x के साथ थ्री की करेंगे तो प्लस 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 ही रहेगा थ्री एक्स। अब इसके साथ इसकी मल्टी करेंगे माइनस एक्स और तीन एकम तीन। अब इज इक्वल टू का मार्ग हम कहाँ निकालेंगे, राइट की तरफ बाहर निकाल देते हैं। तो x की टू, इनको है माइनस प्लस करेंगे पहले हम, दो में से एक जाए घटाएंगे हम, माइनस एक्स बचेगा हमारे पास माइनस टू और इज इक्वल टू अब एक्स की टू। अब जैसे यहाँ कितना है, तीन आएगा, अब इसमें से तीन में से एक घटा देंगे दो बचेगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू हम क्या निकाल लेते हैं, जीरो निकाल। अब इसमें हम आपस में काटेंगे, कौन सा कटेगी हमारे पास संख्या, इसमें एक्स की टू से एक्स की टू कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये हमारा क्या है, माइनस है। अब इसमें से आपस में ये माइनस का एक्स, ये माइनस का टू एक्स, तो माइनस के कितने हो जाएंगे हमारे पास, थ्री एक्स हो जाएंगे। अब तीन में से इसको घटा देते हैं क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस का वन बचेगा इज इक्वल टू जीरो, तो इसको हम नो डाल देंगे, ये नहीं आएगा। नहीं क्यों आया दोस्त स्टूडेंट्स, नहीं इसलिए आया क्योंकि इसके अंदर हमारी कोई भी पावर नहीं बनी है, पावर टू नहीं बनी है, तो इसीलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। तो आशा है कि स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलो हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हम थोड़ा ब्लैक बोर्ड को साफ कर लेते हैं भाई। इसके बाद अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो मेहनत करनी बहुत ही ज़रूरी है भाई। बगैर सपने सभी लेते हैं, लेकिन उन सपनों को पंख देने के लिए मेहनत करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो इससे आगे पार्ट नंबर फोर्थ करते हैं। x माइनस थ्री और टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स और एक्स प्लस फाइव। अब इसके साथ हम इसकी मल्टी करेंगे, x के साथ 2x की मल्टी करेंगे 2x की 2। अब x के साथ 1 की मल्टी करेंगे x एकम x। अब इसके साथ करेंगे प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6x, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3। अब x के साथ मल्टी करेंगे हम x की 2 और 5 एकम 5x। अब इज इक्वल टू का मार्ग हम दाई तरफ निकाल देंगे हम, तो 2x की 2 प्लस, इसमें से इसको घटा देते हैं तो माइनस के कितने बचेंगे हमारे पास, माइनस के 5x और माइनस 3। माइनस का इज इक्वल टू बाहर निकालेंगे हम तो x की 2 और माइनस 5x इज इक्वल टू हम कहाँ निकाल देते हैं, बाहर निकाल देंगे इसका। अब इसके बाद ये 2x की 2 है, इसमें से हम एक घटा देंगे तो हमारे पास एक बच जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 10x और ये माइनस, तो इसमें क्या आ जाएगा, जीरो डाल देते हैं, इसका आएगा हाँ या यस जिसको हम कहते हैं।
स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको हम यस क्यों डालेंगे? यस इसीलिए डालेंगे क्योंकि इसमें हमारी द्विघात समीकरण जिसमें पावर दो बन जाती है, इसीलिए इसको हम यस में लिखेंगे। तो प्लीज़ आपको ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट इसका, फर्स्ट का हम 5 पार्ट करेंगे। हम पार्ट नंबर फाइव करेंगे हम। इसके अंदर हमारे 2x-1 और x-3 इज इक्वल टू x+5 और x-1। चलो हम मल्टी करते हैं इसकी, इसके साथ इसकी मल्टी करेंगे हम। 2x की 2, दो के साथ इसी करेंगे 2 3 6x। अब 1 के साथ हम इसकी मल्टी करेंगे -x, और -+1 की और 3 की मल्टी करेंगे हम तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू। अब इसी तरह हम इसकी करेंगे x के साथ x की मल्टी करेंगे, x की 2 आएगा। अब x के साथ 1 की करेंगे -x आएगा, हो चुकी इसकी मल्टी। अब इसके साथ इसकी मल्टी करेंगे हम +5x आएगा और 5 एकम 5। इसी तरह हम इज इक्वल टू का मार्क हम राइट की तरफ बाहर निकाल देंगे। तो 2x की 2 माइनस, इसमें से इसको घटा देते हैं हम, 6 रेख कितना हो जाएगा, दोनों माइनस है तो 6 रेख कितना हो जाएगा, 7x। अब इसके +3 है हमारे पास, इज इक्वल टू का मार्क बाहर निकालेंगे तो मार्क चेंज करेंगे हम इसके। और 4 में से अगर हम 1 घटा देते 4 बचते हैं तो माइनस के हमारे पास 4 आ जाएंगे और प्लस का हो जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल टू क्या रख देंगे हम इसके अंदर, 0 रख देंगे। अब 2x की 2, अब ये किसका है, माइनस है, और ये किसका है, ये भी माइनस का है, तो 7 और 4 कितने हो जाएंगे माइनस के, 11x हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 11x हो जाएंगे। अब ये प्लस तो 5 और 3 8 इज इक्वल टू 0। इसकी भी हम क्या डाल देंगे, यस डाल लेंगे। ये द्विघात समीकरण है, या फिर क्या लिखेंगे हम, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। स्टूडेंट्स हम ये क्या क्यों लिखेंगे, अभी बताया था भाई जिसकी पावर 2 आती है उसके अंदर हमें द्विघात समीकरण लिखना होता है, अगर जिसकी पावर 2 आ जाती है तो। स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हम इसका 6 करेंगे पार्ट का, पार्ट क्वेश्चन नंबर ये 1 है, इसका पार्ट नंबर हम 6 करेंगे। 6, चलो हम तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। x की 2 + 3x + 1 = x - 2 की 2। अब देखो इसके बाद x की 2, इसमें तो मल्टी करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि मल्टी पहले ही हो चुका है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण पहले ही दे चुका है इसके अंदर। तो 3x और +1, अब इसकी मल्टी करेंगे, इसमें क्या बताया था, a की 2 - b की 2, तो इसमें मल्टी कितनी आएगी, जिसे स्टार्टिंग में हमने करके बताया था, x की 2 कितना आएगा, 2 और 2 4 और 2 दूनी 4। इसको अब हम एक बार तो क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और एक बार इसकी हम मल्टी कर देंगे। आपको मल्टी समझ में आई होगी, x की 2 हो जाएगा और 2 और 2 - 4 हो जाएंगे और 2 दूनी 4। अभी बताया भी इसको एक बार हम जोड़ देंगे और एक बार इसकी हम क्या कर देंगे, मल्टी कर देंगे। इसके बाद है m = बाहर निकालेंगे हम, x की 2 + 3x + 1 - x की 2 + 4x - 4 = 0 रख देते हैं। इसके बाद देखो क्या कटता है आपस में, इससे कट जाएगा। अब ये दोनों प्लस के, इनको ऐड कर देते हैं हम, 7x। अब 4 में से 1 को घटा देंगे क्योंकि ये माइनस ये प्लस है, तो माइनस के हमारे पास 3 बचेंगे इज इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो स्टूडेंट्स
आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 7 की तरफ पार्ट नंबर हम 7 करेंगे। 7 पार्ट, पार्ट नंबर 7। जैसे हमारे पास एक्स प्लस 2 की पावर 2, सॉरी भाई पावर 3 है और इज इक्वल टू 2x और एक्स की 2 माइनस 1। अब देखो इसके अंदर कई बच्चे क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसको हम एक मतलब आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। इसकी पावर 3 है तो इसको हम 3 बार रख लेते हैं। कितनी बार रखेंगे हम इसको, 3 बार रखेंगे, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2 रख लेते हैं। पहले हम इन दोनों की मल्टी करेंगे तो एक्स की 2, एक बार अभी बताया था अगर संख्या आ जाती है तो इसको एक बार जोड़ देते हैं, एक बार ऐड कर देते हैं। दौड़ दो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4x और 2 × 4। अब हमारे पास ये बचा है x प्लस 2, बिल्कुल आसान तरीके समझाया जाएगा आपको। अब इसके साथ इसकी मल्टी करेंगे, इसके साथ इसकी मल्टी करेंगे तो x की पावर 3, इसके साथ इसकी मल्टी करेंगे 2x की 2, इसकी मल्टी हो चुकी है, अब 4 के साथ करेंगे प्लस 4x की 2, अब इसके साथ करेंगे हम 4x हो चुकी है, अब इस 4 के साथ करेंगे प्लस 4x और 4 × 8, अब इसकी मल्टी हो चुकी है। अब इसको ऐड कर देते हैं हम, एक्स की 3, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 4 × 2 6x, 4 × 4 कितने हो जाएंगे दोनों प्लस, 8x और प्लस 8। ये हमारी इसके अंदर मल्टी आ चुकी है, बिल्कुल हमें आपको आसान तरीके से इसको अंदर समझाया है। तो हम यहाँ इसकी मल्टी करते हैं, इसकी मल्टी कितनी आती है हमारे पास, इसकी मल्टी यहाँ आएगी हमारी एक्स की 3 प्लस 6x 8x और प्लस 8 इज इक्वल टू, अब इसके साथ इसकी मल्टी करेंगे हम 2x की 3 माइनस 2x, यहाँ इसके अंदर रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू का मारक हम बाहर निकाल देते हैं, तो x की 3 प्लस 6x प्लस सॉरी भाई पावर 2, तो भाई दोस्तों थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे। x प्लस 8 और माइनस 2x की 3 और प्लस 2x इज इक्वल टू हम क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। अब इसके अंदर घटाते हैं आपस में, क्या सब्ट्रैक्ट होएगी इसके अंदर, इसमें से इसको पावर घटा देते हैं हम, तो माइनस 3 में से 1 जाएंगे हम, x की 3 पावर बचेगी प्लस 6x की 2 और ये प्लस कितना हो जाएगा 10x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसमें 9 डाल देंगे हम। 9 क्यों आएगा, क्योंकि इसमें पावर 3 आ चुकी है, अभी बताया था बस स्टूडेंट्स भाई जिसकी पावर अंदर 2 आती है वही द्विघात हमारा समीकरण होता है, और अगर कोई पावर कोई भी आ जाती है तो द्विघात समीकरण नहीं होता है, तो इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद हम स्टूडेंट्स आपको आशा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, लेकिन अगर हम ऐसे इसको मल्टी कर सकते हैं भाई समझने के लिए, लेकिन हम शॉर्टकट में अगर करते हैं तो इसको अंदर ये मल्टी डाल देंगे तो ताकि आप आसानी से सीख सके। इसके बाद है पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर हम 8 करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पार्ट नंबर 8 करेंगे अब हम, पार्ट नंबर एट है हमारे पास x की 3 माइनस 4x की 2 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 की पावर हमारे पास 3 हो जाएगी, इसकी पावर 3 है। अब देखो इसके अंदर तो इसकी मल्टी की हुई है, x की 3 माइनस 4x की 2 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब वही बात आ चुकी है पीछे जो हमने मल्टी करी थी, इसकी पावर 3 है तो इसको हम 3 बार रख लेते हैं मल्टी के अंदर, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2, इसकी मल्टी कितनी आएगी एक्स की 2 माइनस 4x और प्लस 4 और इसके साथ हम इसकी मल्टी कर देते हैं। अभी बताया था इसकी मल्टी कितनी आएगी एक्स की पावर 3, अब माइनस
दो एक्स की दो, अब इसके साथ करेंगे माइनस चार एक्स की दो, अब चार दूनी आठ एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब इसके साथ करते हैं प्लस चार एक्स और माइनस आठ, तो इसके हमारे पास एक्स की दो माइनस दो एक्स, सॉरी माइनस की एक्स की तीन, चार दो कितने हो जाएंगे हमारे पास, दोनों माइनस के हैं, छः एक्स की दो और प्लस आठ हजार बारह एक्स, आठ हजार कितने हो जाएंगे हमारे पास, बारह एक्स, आठ चार बारह एक्स। भाई अगर जैसे हम इसके साथ इसकी मल्टी करेंगे, पहले जैसे हमने क्या किया था भाई, एक्स के साथ एक्स की पावर आ चुकी थी, फिर दो एक्स की आ चुकी थी, फिर चार के साथ चार एक्स की दो आ चुका था, फिर चार दूनी आठ आ चुका था, फिर चार एकम चार एक्स और चार दूनी आठ आ चुका था, अब माइनस आठ आएगा हमारे पास। अब इसके अंदर हम यह मल्टी इसके अंदर डाल देंगे, तो एक्स की पावर तीन, छः एक्स की दो प्लस बारह एक्स और माइनस आठ, अब इज इक्वल टू का निशान हम इसको बाहर निकाल देते हैं, एक्स की तीन, चार एक्स की दो माइनस एक्स प्लस एक, एक्स की तीन और प्लस सिक्स एक्स की टू माइनस बारह एक्स और प्लस आठ इज इक्वल टू जीरो रख देंगे। अब इसमें से क्या कटेगा, इससे कटेगा, अब जैसे ये प्लस है और ये पावर हमारी दो, ये पावर दो हमारी दो, तो छः में से चार घटाएंगे हम, दो एक्स की दो बचेगा, अब ये माइनस बारह रे कितने हो जाएंगे, तेरह हो जाएंगे, माइनस तेरह एक्स, अब आठ रे कितना हो जाएगा, नौ हो जाएगा, तो ये हमारा द्विघात समीकरण, तो इसमें लिख देंगे हम द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, भाई जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स कुछ तबीयत खराब है भाई, दो तीन दिन से ठंड लगी हुई है, सर्दी खांसी हो रही है, तो इसीलिए फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल प्रेस ज़रूर करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, जय हिंद।